हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में तो यहां पे जो कैंडिडेट हैं कल आपका ये कट ऑफ आई थी क्योंकि कौन कौन से कैंडिडेट जो हैं वो क्वालिफाई किए हैं जो उनकी कॉपी है वो टी एस थ्री के लिए वैल्यूट होगी तो यहाँ पे ए के लिए आप देख सकते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जे के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कट ऑफ है और इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं इन एडिशन टू द यू आर कैंडिडेट जिन्होंने ओ बी सी एस सी एस टी डब्ल्यू एस ओ एच वी एच जिन्होंने यू आर से क्वालिफाई किया है हमारा जो आज का फोकस है वो ए ए और जी एस ओ की जॉब पर छोड़ के जो बाकी पोस्ट है उन पर रहेगा कि किस तरीके से वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हुआ है और मैं यहाँ पे आपको जस्ट एक आइडिया दूंगा वीडियो में यहाँ पे मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता क्योंकि आ, जो नॉर्मलाइजेशन है वो एज एक्सपेक्टेड जो होना चाहिए था उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है Uh, काफ़ी सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि उनके मार्क्स 18 तारीख को जितने आए थे उसमें अनएक्सपेक्टेड डिक्रीज़ हो गए इंक्रीज़ तो होने के बजाय वो डिक्रीज़ हो गए जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 15 तारीख को आपके 40 से 45 मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं 16 तारीख को आपके नियर अबाउट पैंतीस से चालीस तक इंक्रीज़ हो सकते हैं और अठारह तारीख को माइनस से लेकर के पाँच तक आपके मार्क्स जो हैं वो इस रेंज में वेरिएट करेंगे लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमारे सत्तर मार्क्स अठारह को इंक्रीज़ हो गए हमारा लिस्ट में नाम नहीं है हमने पूरी जो अपनी मैथ्स uh, की और इंग्लिश के आंसर की मिलाई है हमारे मार्क्स जितने बने हैं उसके अकॉर्डिंग अगर मैं दस मार्क्स भी इंक्रीज़ करूं पंद्रह मार्क्स भी डिक्रीज़ uh, करूं सॉरी तो जो है वो मेरी सिलेक्शन हो जानी चाहिए थी लेकिन नहीं नहीं हो पाई उनकी सिलेक्शन मतलब मार्क्स ही इतने ज़्यादा घट गए हैं कि उनकी सिलेक्शन नहीं हुई इसका मतलब तो सीधा सीधा सा यही है तो यहाँ पर जस्ट मैं आपको इस वीडियो में एक आईना दिखाऊँगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और आपका जो सी जी एल टू थाउजेंड एंड नाइन्टीन के थ्रू आपका जो जॉब लेने का एक यहाँ पे जो सपना था आ, उसको आप पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे उसका जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का जब तक एक पूरा एग्जैक्ट आपके पास मार्क्स नहीं आ जाते क्योंकि सर्वे में भी स्टूडेंट का कुछ खास पता नहीं लग रहा और इसके अलावा जो एग्ज़ैक्ट मार्क्स हैं जब तक वो नहीं आते जब तक उसके अकॉर्डिंग रैंक नहीं पता लगती तो एग्जैक्टली uh, exactly, कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये जो कट ऑफ है जो फाइनल सिलेक्शन है आपका जिसमें आपकी जो लोएस्ट कैटेगरी की पोस्टें हैं वो आपको कितने मार्क्स पे मिल सकती है लेकिन एक ओवरऑल आइडिया मैं आपको दे दूँगा कि कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो अभी अब यहाँ पे ज़रा एक बार ध्यान से देखिएगा ये लिस्ट है टीयर टू कैंडिडेट क्वालिफाइड इन टीयर टू फॉर द वैल्यूएशन ऑफ टीयर थ्री फॉर द पोस्ट अदर देन ए एंड जे एंड जू ये स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की तो यहाँ पे आप जनरल की देखिएगा जो गई है वो फाइव ट्वेंटी एट पॉइंट थर्टी एट गई है कैंडिडेट कितने क्वालिफाई कर रहे हैं आठ छः एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सेवेंटी फोर कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहे हैं यहाँ पे एक और चीज़ ट्विस्ट है जैसे बाकी कैटेगरीज की आपकी कम गई हैं जैसे ई की फोर है उसके बाद देखिए आपका एक्स सर्विस मैन थ्री सिक्सटी फाइव ओ बी सी की देखिए फोर सेवेंटी एट लेकिन ये भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा है अगर मैं दो हज़ार अठारह से इसको कंपेयर करूँ लेकिन यहाँ पर भी ट्विस्ट है यहाँ पर देखिए नीचे आ, इसके अलावा देखिए फाइव नाइन थ्री वन मतलब फाइव नाइन थ्री वन कैंडिडेट तो ओबीसी के ऐसे हैं जिन्होंने जनरल से ही क्वालिफाई कर दिया यानी कि उनके फाइव ट्वेंटी एट पॉइंट थ्री एट मार्क्स तो हैं ही हैं इसके अलावा यहाँ पे देखिए Uh, जो ई डब्ल्यू एस है वो टू एट नाइन नाइन है एस सी के छः सौ चौवन है और एस टी के एक सौ सतावन है अब यहाँ पे जरा ट्विस्ट सुनिएगा एक बार ये भी देख लीजिएगा ये टू थाउजेंड एंड नाइनटीन की और टू थाउजेंड एटीन की कंपैरिजन है uh, यू आर की फाइव ट्वेंटी एट पॉइंट थर्टी एट है दो हज़ार अठारह में चार सौ तैतीस थी पचानवे नंबर का डिफरेंस आया है ई डब्ल्यू एस उस टाइम पे कैटेगरी नहीं थी ओ बी सी के देखिए ओ बी सी के अठहत्तर नंबर का डिफरेंस आया अभी अठहत्तर नंबर ज़्यादा बन रहे हैं आपके ये सब नॉर्मलाइजेशन की वजह से हुआ है यहाँ पर कोई कॉम्पिटिशन की बात नहीं हो रही है मैं आपको पहले ही कहूँ एक तो ये अठारह शिफ्ट वालों का बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर दिया है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया है इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन बहुत गलत तरीके से इसमें हुआ है एस टी देखिए अगर आपको भी लगता है कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे बन रहे हैं अठारह शिफ्ट वालों की मैं बात कर रहा हूँ तो प्लीज़ थोड़ा सा आइडिया मेरे को बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने थे और आपका लिस्ट में नाम आया है नहीं आया है उससे आप जरा कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आपको लगता है कि इनक्रीज़ हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं एक्स सर्विस मैन के देख लीजिए बाकी सारी कैटिगरीज़ के, के आप देख लीजिए अब यहाँ पे देखिए ये कुछ वैकेंसीज़ हैं सी जी एल टू थाउजेंड एंड एटीन की सॉरी नाइनटीन की तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ओ बी सी के सॉरी ये जनरल के कितने कैंडिडेट लगभग क्वालिफाई किए हुए हैं एट सिक्स समथिंग कैंडिडेट क्वालिफ़ाई कर रहे हैं एट सिक्स सेवन फ़ोर समथिंग कैंडिडेट हैं यहाँ पोस्ट पोस्टें कितनी हैं थ्री सिक्स सेवन फोर पोस्टें हैं यानी कि मैं फ़ाइव थर्टी मान के चलता हूँ और मिनिमम उसमें पचपन मार्क्स भी मैं डिस्क्रिप्टिव में ऐड करता हूँ यानी कि लगभग आपका फ़ाइव एटी फाइव बनेगा तो यानी कि मिनिमम फ़ाइव एटी फाइव तो मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए ये तो श्योर हो गया इसके अलावा मैं ओ बी सी का आईना दिखा देता हूँ ओ बी सी के कितने हैं टू वन नाइन एट टू वन नाइन एट ये इतनी वैकेंसीज़ हैं कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे ये यहाँ देख लीजिए फाइव नाइन थ्री वन कैंडिडेट इतने कैंडिडेट तो क्वालिफ़ाई कर रहे हैं यानी उनके फाइव ट्वेंटी एट मार्क्स तो हैं ही हैं सीधी सी बात है यानी कि आपकी जो यहाँ पे ये यह जो कट ऑफ आपको दिख रही है ना ये ओ की 478 भाई ये 478 पे तो कतई आपकी सिलेक्शन नहीं होने वाली अगर आपके इतने मार्क्स हैं अगर आपके मार्क्स 528 प्लस आ रहे हैं तो जा कर के कहीं आपकी सिलेक्शन होगी क्योंकि ऑलरेडी इतने ज़्यादा बच्चे जो पहले से ही जनरल क्वालिफाइड हैं इसी तरह से अगर मैं ई की बात करूँ यहाँ पे देखिए ई की 801 वैकेंसीज़ हैं क्वालीफाई करने वाले कितने सारे हैं तो यानी कि उन सब की कट ऑफ फाइव तो मिनिमम रहने वाली है यही हाल उन सब का है तो आप ये देखिएगा अभी जैसे एग्जैक्ट रैंक नहीं प, बन पाई जैसे 585 तो मैंने मिनिमम आपको बता दिया जर्नल का लेकिन जर्नल की वैकेंसीज़ कितनी हैं थ्री सिक्स सेवन फोर क्वालिफाई करने वाले कितने लोग हैं आपको भी पता है आ, एट सिक्स समथिंग सेवन फोर समथिंग आपके क्वालिफाई करने वाले हैं और इसमें भी ऐसे कितने कैंडिडेट होंगे जिनके फाइव सिक्सटी मार्क्स होंगे फाइव फिफ्टी मार्क्स होंगे ऐसे कितने सारे कैंडिडेट होंगे तो रेंज अब ऐसा थोड़ी है कि फ़ाइव ट्वेंटी एट वाले कैंडिडेट जो हैं हाँ वो इसकी मतलब ऐसा थोड़ी है कि जो फाइव ट्वेंटी एट वाले कैंडिडेट हैं जैसे रैंक तो ये कितनी गई है ज़ीरो से लेके एट सिक्स सेवन फोर तक है अब हो सकता है कि जो वन रैंक वाला है जिसने क्वालिफाई किया उसके मार्क्स सिक्स हंड्रेड प्लस हो ऐसे करके काफ़ी सारी रेंज वेरिएट हो सकती हैं तो इसमें यानी कि आप ये लगाओ कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टक्कर देने वाला है यानी यूआर का आप मिनिमम जो मान के चलो लो पोस्ट के लिए बिल्कुल लो पोस्ट के लिए यूआर का जो आपका मिनिमम एक्सपेक्टेड है वो सिक्स हंड्रेड प्लस तो रहने वाला है आपका टैक्स असिस्टेंट के लिए मिनिमम सिक्स हंड्रेड प्लस तो आपको जॉब लेने के लिए लेना पड़ेगा जो टैक्स असिस्टेंट इन सी बी आई सी जो भी आपका है और अगर मैं ओ बी सी कैटेगरी की बात करूँ तो भाई ओ बी सी कैटेगरी वालों का भी बहुत बुरा हाल है उसको भी ये मत सोचिएगा उसको भी कम से कम आपके फाइव नाइन्टी प्लस मार्क्स तो लेने पड़ेंगे तो ये आईना है इसी तरह से मैं ई डब्ल्यू एस की बात करूँ तो ई डब्ल्यू एस का भी सेम यही कॉन्सेप्ट है आपको फाइव नाइन्टी प्लस तो मार्क्स लेने लेने पड़ेंगे इसके अलावा आप एस सी कैटेगरी का देखिए एस सी में सिक्स फाइव फोर कैंडिडेट हैं जिनके फाइव ट्वेंटी एट मार्क्स तो लगभग हैं हाँ इसमें लेकिन डबल हैं इसमें वैकेंसीज डबल हैं सिक्स फाइव समथिंग आपकी फाइव फाइव टू एट मार्क्स उनके हैं लगभग बाकी जो आधे कैंडिडेट बचे वो जो है वो उसके अकॉर्डिंग आपकी मिनिमम जा सकती है तो यानी कि उसमें आपका एस सी कैटेगरी में एस टी कैटेगरी में आपके मिनिमम हो सकते हैं तो यानी कि उसमें भी आपका जैसे आप फाइव सिक्सटी से लेकर के फाइव एट्टी फाइव इतने मार्क्स आपके लगभग इतने मिनिमम मार्क्स आपके आने चाहिए तो जा करके आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन होगी अब यहाँ पे जो एग्जैक्ट नॉर्मलाइज मार्क्स कितने हैं उसके अकॉर्डिंग रैंक कितनी है फिर मैं आपको सारी चीज़ें एग्जैक्ट बता दूँगा जब आ जाएगा लेकिन अभी ऐसा कहने का को कोई फ़ायदा नहीं है जस्ट यहाँ पर एक ओवरव्यू और एक आइडिया मैं आपको जस्ट दे रहा था तो अगर आप ऐसा सोचते हो ना ओ बी सी कैटेगरी वाले कि आपके फोर सेवेंटी एट मार्क्स हैं ओ बी सी वाले तो आपका भैया सिलेक्शन हो जाएगा या फिर किसी के 500 मार्क्स हैं या फिर किसी के 510 मार्क्स हैं वो तो जब आपके मार्क्स आएंगे या फिर किसी के 525 मार्क्स भी हैं ना तो आपकी सिलेक्शन कतई नहीं होने वाली ये शोर शोर शोट है आपकी सिलेक्शन नहीं होने वाली कोई डीमोटिवेट नहीं कर रहा मैं आपको लेकिन एग्जैक्ट रियलिटी यही है इसी तरह से ई वाले भाई जिनके मार्क्स पाँच से कम हैं वो भूल जाना कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी आपकी सिलेक्शन नहीं होने वाली हाँ एस टी एस टी में आ, उसके प्रोपोर्शन में वैकेंसीज ज़्यादा हैं जितने कैंडिडेट यू से क्वालिफाई किए हैं तो उसकी रेंज मैंने आपको बता दी 560 से 585 के बीच में अगर आपके मार्क्स वेरी हैं तो आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं यहाँ पर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं उनको इस तरीके का डाउट है कि भाई अब ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिनके सिक्स प्लस हैं वो भी सस्पेक्ट में हैं होगा कि नहीं होगा बिल्कुल और कैंडिडेट ऐसे हैं जिन जो सस्पेक्ट में है कि उनके डिस्क्रिप्टिव में ही जैसा कि आपको पता है डिस्क्रिप्टिव का कितना अनएक्सपेक्टेड सा टॉपिक आया था इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट तो बहुत सारे स्टूडेंट कुछ कुछ भी लिख के आए हो अब उनकी कॉपी किस तरीके से वैल्यूएट होगी वो भी उनको नहीं पता है तो ये सब कुछ है और डी ई एस टी के लिए अब जो कट ऑफ आएगी वो भी बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी कट ऑफ आएगी वो भी काफ़ी हाई जाएगी ये तो जस्ट फाइव ट्वेंटी एट है पॉइंट थर्टी एट यू आर की है जस्ट टीयर थ्री की इवेलुएट करने के लिए यानी कि और ज़्यादा बेवकूफ़ बच्चों का बनाया है उनको टीयर थ्री दबाने की ज़रूरत ही क्या थी जब उनको निकालना ही था जब उनके लिए कट ऑफ ही अलग से निकालनी थी जो कि वो टीयर थ्री के लिए क्वालिफाई ना कर पाए तो उनका एग्ज़ाम देने की ज़रूरत क्या थी तो पता नहीं यार ये गवर्नमेंट क्या कर रही है लेकिन आपको शायद एक चीज़ आ, समझ नहीं आ रही जो मैं आपको एग्जैक्टली exactly कहना चाह रहा हूँ देखिए आप लोग मतलब गवर्नमेंट से क्या कर रहे हैं आप लोग आने वाला टाइम इतना बेकार होगा आपके लिए कि आपको आपको सब कुछ हो जाएगा आपके मतलब मार्क्स इतने इतने अच्छे आ जाएंगे आप खुद ही जो है वो अपने लिए जो है वो जाल बुन रहे हो आप खुद ही अपने लिए गड्ढा जो है वो खोद रहे हो अपनी कब्र के लिए जो गड्ढा है वो खोद रहे हो अपनी कब्र खुद ही खोद रहे हो आप क्योंकि आप वैकेंसी आने वाला टाइम इतना बेकार होगा कि वैकेंसीज़ के लिए आप लड़ोगे कि गवर्नमेंट वैकेंसी भी नहीं देगी और आप खुद ही आपस में लड़ते हुए लड़ते हुए कंपटीशन इतना बढ़ा रहे हो कि किसी की सिलेक्शन नहीं हो पा रही सब सेम लेवल पे आ चुके हैं क्यों क्योंकि वैकेंसीज ही नहीं दे रही गवर्नमेंट किसी भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी नहीं है और ये स्टडी के लेवल को ये जो आपके मतलब ये आपको शायद स्ट्रेटजी शायद समझ ना आए लेकिन इस गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी यही है कि एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का उनको इतना ज़्यादा हार्श बना दो इतना ज़्यादा टफ़ बना दो कि कोई डिमांड ही ना करे गवर्नमेंट वैकेंसीज़ की और गवर्नमेंट जॉब निकले तीन तीन चार चार साल में ये जानबूझ के करते हैं कि पूरा प्रोसेस कम्प्लीट करें ताकि कोई इसमें पढ़े ही ना कोई इस चक्कर में पढ़े ही ना ये इस गवर्नमेंट की सोच है जो वो करने लग रही है शायद आपको ये चीज़ आ, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है अगर नहीं समझ में आए तो आप आपके हाँ लिए गवर्नमेंट जॉब नहीं आप है आप छोड़िए आप जस्ट भक्ति करिए तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन शुभ हो पढ़ते रहिए ख्याल रखिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट गॉड ब्लेस यू धन्यवाद